वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम हम दस है। मैं हूं बशीर सुवैद। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी होने लगी है। तो सीधा वीडियो की टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है इंडियन रेलवे शॉक्ड एवरीवन फोर लोकोमोटिव 2388 किलोमीटर फ्राइट। मतलब यार इंडियन रेलवे ने मतलब शॉक कर दिया सबको, चार लोकोमोटिव मतलब चलाकर और 300-2300 किलोमीटर का कुछ मतलब फ्राइट का वो डिस्टेंस है। क्या होने लगा ये हम वीडियो देखेंगे, तब हमें सही से पता लगेगा। मतलब इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं, 3-2-1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, बदलते हुए भारत की तस्वीर अगर आपने नहीं देखी है तो गौर से देख लीजिए। इंडियन रेलवे एक के बाद एक क्रांतिकारी कदम उठा रही है और जो तस्वीरें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन दिनों जारी कर रही है, इन तस्वीरों को हर भारतीय को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, इंडियन रेलवे की पहली तस्वीर आप देख, जिसके अंदर भारतीय मालगाड़ी 16,000 टन का कोयला एक ही ट्रेन के अंदर लाद कर पावर प्लांट के अंदर लेकर जा रही है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि 16,000 टन का कोयला एक बारी में ही एक ही ट्रेन के अंदर चला जाए। दोस्तों, इस ट्रेन के जो डब्बे हैं ना, 240 डब्बे हैं और ये जो 240 डब्बों की लेंथ है ना, पता कितनी है? 3 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है और 4 लोकोमोटिव इंजन इस 16,000 टन के कोयले की ट्रेन को खींच रहे हैं और 240 डब्बे झारखंड से ये चलकर पावर प्लांट के अंदर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे इस कदर से इमरजेंसी स्तर पर सामने आया है, जब पावर की शॉर्टेज हो रही थी अलग अलग इलाकों के अंदर, तो इंडियन रेलवे ने ये ट्रेनें चलाई हैं तब जाकर जो कोयला है पावर प्लांटों के अंदर पूरा हुआ है। देख लीजिए ये तस्वीर दोस्तों। इसके अलावा आप देखिए आप एक और तस्वीर, ये तस्वीर है जी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, ये जो बसें खड़ी हुई हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी रहेगी कि ये बसें 2388 किलोमीटर से एक इस ट्रेन के अंदर लादी गई है और फिर इन्हें चंडीगढ़ भेजा जाएगा। अब आप कहोगे कि ये जगह कौन सी है? दोस्तों, ये जगह है बेंगलुरु की दोद्दाबालपुर, कर्नाटका के अंदर ये जगह है जी। वहां से ये बसें बनी है और वहां की बसें अब ट्रेनों के ऊपर लाद कर चंडीगढ़ लाई जाएंगी और चंडीगढ़ से वाया रोड के थ्रू ये हिमाचल जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑफिशियल तौर पर ट्वीट करके कहा है कि फ्री ट्रैफिक के तौर पर इंडियन रेलवे सबसे मार्वेलस काम कर रही है और पहली बार दोद्दाबालपुर बेंगलुरु से, जिसकी दूरी 2388 किलोमीटर की है, अब ये एक सफर तय करने वाली है। दोस्तों, देख लीजिए भारत अब कितना एडवांस हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरी तस्वीर देखिए भारत की, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की है। हाल ही में खबरें आई थी कि ट्रेनों के जो पहिए हैं यूक्रेन से नहीं बन सकेंगे, तो इसके चलते हमने चीन को ऑर्डर दे दिया है। तो उसी प्रक्रिया को देखने के लिए भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो उन्होंने ICF चेन्नई की फैक्ट्री का दौरा किया है और वंदे भारत ट्रेन जो बन रही थी उसका जायजा लिया है। तस्वीरें आपके सामने है। अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर कोई भी डिले नहीं है, बिल्कुल तय समय पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर चलाई देंगी। दोस्तों, इसके अलावा एक इंडियन रेलवे को ये तस्वीर से जरूर सीखना चाहिए। ये दोस्तों, ये एक ट्रेन है और ट्रेन की आप देखिए किस तरीके से व्यू है, ऐसा लगता है कि कोई 5-स्टार होटल के अंदर बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि इसकी खिड़की बहुत बड़ी है और ऐसी खिड़कियां इंडियन रेलवे के अंदर भी होनी चाहिए। इंडियन रेलवे को भी यहाँ पर थोड़ी बहुत सुध लेनी चाहिए कि इस तरीके की कोई ट्रेनें बनाने के लिए भी अब अपना हाथ आजमा लिया जाए। अब दोस्तों, भारत के तो घर का काम है, अब हमने किसी दुनिया के दूसरे देश से तो बनवानी नहीं है। हम चाहे तो यूरोप के स्टैंडर्ड की भी ट्रेनें बना सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड की भी ट्रेनें बना सकते हैं। ये ट्रेनें दोस्तों, ये जो ट्रेन आप देख रहे हो ना, ये ट्रेनें भारत के जो पहाड़ के इलाके हैं ना, वहां पर ये ट्रेनें बहुत सुंदर लगेंगी। जम्मू एंड कश्मीर के इलाके हो गए, साउथ इंडिया के इलाके हो गए, वहां पर ये ट्रेनें जिस तरीके का व्यू देने वाली है ना, भारत के अंदर टूरिज्म के सेक्टर को 4 चांद लग जाएंगे अगर इस तरीके की ट्रेनें चलने लगती हैं। दोस्तों, भारत के लिए
बनाने के लिए बहुत कुछ है और भारत की जो इंडियन रेलवे है एक के बाद एक नए प्रयोग कर रही है और तस्वीरें आपके सामने ही है कि किस तरीके से इंडियन रेलवे कमाई भी कर रही है और भारतीय लोगों की लग्जरी के लिए भी काम कर रही है। और ये जो लग्जरी वाली ट्रेनें हैं ना, ये टूरिज्म को बढ़ावा दे सकती हैं। इस तरीके से इंडियन रेलवे को भी प्रयोग कर लेना चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। इंडियन रेलवे ने भाई वेस्टरडोम कोच एक चलाई भी है ना, जिसमें बड़े बड़े शीशे हैं मतलब, और वो ब्यूटी वाले एरिया में चलती है। हमने यूनिटी में जो उस जगह पे चलाई है। हाँ, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब ब्यूटी वाली जगह पे उन लोगों ने चलाई है, जो मतलब एक स्टेप है इसकी तरफ जाने का। और भाई मजे की बात ये, मैं हैरान उस पे हूँ, चार चार लोकोमोटिव लगा के वो चीज पहुंचाई गई है, चार चार इंजन। मेरा दिमाग हैरान हूँ, मैं ये हैरान हूँ कि 3 किलोमीटर तक लंबी ट्रेन यार, मैं इस पे हैरान हूँ। 16,000 टन कोयला 16,000 टन कोयला एक बार में जा रहा है। हाँ। 3 किलोमीटर लंबी ट्रेन में जा रहा बंदा हो यार। किसी ने वो क्या वो ट्रेन देखते थे, अगर कोई किसी ने रास्ते में से पार कर रहा होगा तो खड़ा ही रहेगा। मतलब वो जो फाटक आती है मतलब, हाँ, फाटक उसके सामने नीचे होता है तो गाड़ियां वेट करती है कि जब ट्रेन, वो गाड़ियां वेट कर ही रहेगा बेचारा, वो ट्रेन तब गुजरेगी यार। मतलब इतना ज्यादा भाई यार, मतलब 3 किलोमीटर लंबी मैंने आज तक नहीं देखी ट्रेन यार, कहीं में यार। और चार चार लोकोमोटिव उसके साथ इंजन लगाए हुए, तो फिर खुद आइडिया लगा लो। चार चार इंजन हाँ। वो देखे भी हैं, वो लगे हाँ, जा रहे थे और फुल स्पीड में जा रही थी। बसें चेक की और बसें कितनी दूर से लेकर हाँ। आ रहे हैं बेंगलुरु से, आ रही है 288 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ जा रही है। आगे जाएंगे तो बेंगलुरु से जो है ना कश्मीर वगैरह और जगहों पे भी जाएंगी। तो यार मतलब अंदाजा लगाओ इंडियन रेलवे फुल वर्क। और तुम जिस तरह वो वंदे भारत का बोल रहे थे ना, इंडिया तो तैयार कर ही रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है डब्बे। भाई भाई एक्सपोर्ट इंडिया करता है नेपाल को, बांग्लादेश को, अच्छा कनाडा को की थी, ऑस्ट्रेलिया को करता है, और भी काफी कंट्रीज हैं जिनको मतलब इंडिया, अब क्योंकि इंडिया को अगर आप बोलो ना मतलब वो बजट बजट की बात होती है। देखो लोगों के लिहाज से उसी तरह स्टैंडर्ड की ट्रेनें बनाई जाती है। अब अमेरिका वगैरह मतलब ये कनाडा इधर भी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, बजट उसके लिए बहुत ट्रेनें की जरूरत पड़ती है, बजट बहुत है। अगर इस तरह की ट्रेनें बना भी ले, असल में पता क्या, बच्चे इंडिया बच्चे, हाँ हमारे पाकिस्तान बहुत है, बच्चे ऐसे हैं, लोग भी फिर ऐसे हैं कि वो फिर सत्यनाश कर देते हैं चीजों का। तो फिर ये चीज मतलब तब इंडिया फिर अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाता है, नहीं तो इंडिया चाहे तो लग्जरी से लग्जरी कमाल की बना सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। गाइस आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इस इंडियन रेलवे के मूव पर। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार भाई